हेलो मेरे इंजीनियर दोस्तों, मैं निशांत हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो लेके सिविल इंजीनियरिंग से। आज का जो टॉपिक चुना है ना फ्रेंड्स मैंने, वो है हमारा एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। अभी अब आप सबको लग रहा होगा कि एयरपोर्ट में इंजीनियरों को क्या काम, और वो भी सिविल। देखिए फ्रेंड्स, हमारे इंजीनियरिंग में एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बोर्ड के सब्जेक्ट होता है, मगर उसमें क्या है, जितने भी हमारे एयरपोर्ट्स में क्राफ्ट होते हैं ना, उसको डेवलप करने का काम होता है। मगर एयरपोर्ट जो बिल्टअप होता है ना, वो हमारे इंजीनियर्स जो होते हैं सिविल इंजीनियर्स, उनके थ्रू बिल्टअप होता है। ये भी इसका पार्ट हमारा वन ही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से यही बोलूंगा, जो भी हमारे चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICA रिकमेंडेशन, मिनिमम विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया फॉर इंस्ट्रूमेंटल रनवे शुड बी। फ्रेंड्स, जो ICA है ना, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऑप्शन है 78 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, 450 मीटर। जो करेक्ट विड्थ होती है ना, मिनिमम जो हमारी सेफ्टी की, वो होती है 300 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर ICA फॉर ABC टाइप ऑफ एयरपोर्ट, मैक्सिमम इफेक्टिव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड्स इन परसेंटेज वाइज रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, जो हमारा एयरपोर्ट भी होता है ना, वो भी ABC टाइप पे होता है। ठीक है, अब इसके हमारे ऑप्शन है 1 मीटर, 1.5 एंड 1.5, 1.5, 2, 1.5, 1.5 एंड 1.5, 2, 2, 2। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड हमारा 1, 1.5 एंड 1.5। जो मैक्सिमम इफेक्टिव ट्रांसफर्स होता है ना ग्रेड्स का परसेंटेज में, वो इतना होता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, एज एयरपोर्ट हैज 4 गेट्स, इफ द वेटेड एवरेज गेट ऑक्यूपाइड टाइम इज 30 मिनट्स एंड गेट यूटिलाइजेशन फैक्टर इज 0.5, देन द कैपेसिटी ऑफ द गेट विल बी। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना, नॉर्मल जो एयरपोर्ट में ना 4 गेट होते हैं अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए भी, जो मेनली है। ठीक है, और सभी में जो ऑक्यूपेशन टाइम वो 30 मिनट्स का यूटिलाइज किया जाता है, और जो सेफ्टी ऑफ फैक्टर है ना हमारा, वो 0.5 से होता है। तो जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर गेट की होगी, वो कितनी होगी, 1 एयरक्राफ्ट पर आवर, 2 एयरक्राफ्ट पर आवर, 4 एयरक्राफ्ट पर आवर और 16 एयरक्राफ्ट पर आवर। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा 4 एयरक्राफ्ट पर आवर। फोर्थ क्वेश्चन, द इंजन फेलियर कॉज फॉर डिटरमाइनिंग द बेसिक रनवे लेंथ में रिक्वायर। ऑप्शन है 1 क्लियर वे, ओनली स्टॉप वे, आइदर अ क्लियर वे और अ स्टॉप वे, क्लियर वे एंड स्टॉप वे बोथ। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्लियर वे एंड स्टॉप वे बोथ। फिफ्थ क्वेश्चन, द मिनिमम विड्थ ऑफ द क्लियर वे इज। फ्रेंड्स, जो हमारा रनवे होता है ना, उसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन है 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर एंड 250 मीटर। आंसर है हमारा 250 मीटर। इतना क्लियर वे का हमें मिनिमम विड्थ मिलना ही चाहिए दोस्तों। सिक्स्थ क्वेश्चन, एज पर ICA द मिनिमम बेसिक रनवे लेंथ फॉर A&E टाइप ऑफ एयरपोर्ट विल बी। ऑप्शन 1500 मीटर एंड 600 मीटर, 2100 मीटर टू 750 मीटर, 1500 मीटर एंड 750 मीटर, 2100 एंड 600 मीटर। करेक्ट आंसर है फ्रेंड हमारा 2100 मीटर एंड 600 मीटर। सेवेंथ, जीरो फ्यूल वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज। फ्रेंड्स, जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है, उसका जीरो फ्यूल वेट क्या है। ऑप्शन है इक्वल टू एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट, इक्वल टू मैक्सिमम लैंडिंग वेट, लेस देन एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट, इक्वल टू सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड द मैक्सिमम पेलोड। इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड इक्वल टू सम ऑफ एम्प्टी ऑपरेटिंग वेट एंड द मैक्सिमम पेलोड। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, एज पर ICA फॉर एयरपोर्ट सर्विंग बिग एयरक्राफ्ट, क्रॉसविंड कंपोनेंट शुड नॉट एक्सीड। फ्रेंड्स, जो हमारे एयरपोर्ट होते हैं ना, उसमें जो एयरक्राफ्ट सडनली लैंड होते हैं, तो उसमें जो क्रॉसविंड के कंपोनेंट किससे कम होना चाहिए ना, जो प्रेशर है ना विंड का, वो कितने से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है हमारा 35 किलोमीटर पर आवर, से उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, काम पीरियड इज द परसेंटेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच विंड इंटेंसिटी इज लेस देन। ठीक है, ऑप्शन है
4.8 किलोमीटर पर आवर, 6.4 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर और 9.6 किलोमीटर पर आवर। आंसर है फ्रेंड्स हमारा 6.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10th, अकॉर्डिंग टू ICAO ऑल मार्किंग ऑन द रनवे आर, फ्रेंड्स जो हमारे एयरपोर्ट्स पर आपने देखा होगा जो मार्किंग होती है वो किस कलर कोड पे होती है? ऑप्शन येलो, व्हाइट, ब्लैक, रेड। तो हमारा करेक्ट आंसर है व्हाइट। फ्रेंड्स आपने कभी भी अगर आप एयरपोर्ट में गए हो तो आपने देखा होगा वहां मैक्सिमम जो रनवे पर मार्किंग है चारों तरफ, ठीक है, वो व्हाइट कलर से की हुई होती है। ठीक, थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और जितना ज्यादा हो सके उतना इसे फैलाना कि ये हमारे जूनियर्स तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो एक्चुअल में अभी स्टूडेंट है और इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।